लास्ट क्लास में, गुड इवनिंग प्रियांशी, गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा खत्म कर लिया था ना. गुड इवनिंग क्रेश, गुड इवनिंग दिव्यांश. हो गया था ना, मतलब पूरा हमने खत्म कर लिया. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है. तुमने अपने पार्ट में पढ़ लिया है पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब चाहे वो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, या इधर इट इज सेंसेस सैंपल मेथड, टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा, ये पढ़ लिया ना तुमने अपने पार्ट में. मतलब मेक श्योर कि साइमल्टेनियसली पढ़ते भी रहना, ताकि एंड में तुम्हारे लिए एज सच कोई बर्डन ना. ठीक है, मतलब अगर तुम साइमल्टेनियसली गो थ्रू करते रहोगे टर्म्स को, तो एंड में तुम खुद ये चीज रियलाइज करोगे कि यार ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% भी नो, और हमें थोड़ा बहुत और बस पढ़ने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ठीक है, देखो आज अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. रजिस्टर और पेन हाथ में रखना, बहुत इजी चैप्टर है, पर ये एक लौता चैप्टर ऐसा है, अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ आ गया तो तुम्हें आगे आने वाले न्यूमेरिकल पोर्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी. तो इस चैप्टर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर एक बेस माना जाता है न्यूमेरिकल के, बेस, क्योंकि आगे जितने भी हम फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, वेदर इट इज मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, जो भी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, हर चीज इसी चैप्टर से निकल के आती है. जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं. ठीक है, तो ये बेस माना जाता है, बेसिक चैप्टर है जिसके ऊपर सारा न्यूमेरिकल पोर्शन डिपेंडेंसी दिखाता है. ठीक है, देखो अब जरा बात करते हैं. तुम्हें याद है सिंगुलर सेंस? फिर से याद करो सिंगुलर सेंस क्या था. सिंगुलर सेंस में हम किसकी बात करते थे? पहले हमने डिस्कस किया कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं. हमने दो सोर्सेस पढ़े, प्राइमरी सोर्स के थ्रू विच इज द फर्स्ट हैंड डेटा, सेकेंडरी सोर्स के थ्रू विच इज द सेकेंड हैंड डेटा, या फिर सेंसस या सैंपल मेथड अप्लाई करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं. आफ्टर द एंटायर डेटा इज कलेक्टेड, अभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं, जो डेटा किसी ने कहीं पे अपने रजिस्टर्स में लिख रखा है, किसी ने अपने नोट्स में, फोन के नोट्स में लिख रखा है, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है अभी डेटा, जिसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं रॉ डेटा. दो टर्म्स है तुम्हारे सामने, एक है रॉ डेटा और एक है सीएस. दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए. रॉ डेटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है जो अभी अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड की गई है. अभी इसको हमने सिस्टमैटिकली सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज नहीं किया है. अभी द डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, विच इज नोन एज द रॉ डेटा, जिसको हम बोलते हैं भाई रियल डेटा, पूरा का पूरा रियल डेटा जो अभी मैंने कलेक्ट किया और अभी मैं तुम्हारे सामने बस रख रही हूँ, दैट इज द रॉ डेटा, दैट इज इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर. जब हम इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सीरीज. तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है. जब इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? सीरीज. तो व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, रिमेम्बर कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड और ये ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. चले आगे. अब जरा डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग क्या है. क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? ऑर्गेनाइजेशन को अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. इसकी डेफिनेशन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब तुमने सिंगुलर सेंस पढ़ा था. तो व्हाट इज अनऑर्गेनाइज, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? जब हम एक स्पेसिफिक डेटा को किसी सीक्वेंस में या फिर किसी ऑर्डर में कंपाइल करके लिखते हैं, मतलब एक
इकट्ठा करके लिखते हैं, एक सेग्रीगेटेड मैनर में लिखते हैं, तो उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम किसमें इंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो एक ऐसी डेफिनेशन जो आप अपने वर्ड्स में बहुत आराम से बना सकते हो, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, या फिर कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं वो क्या है, सुनना ढंग। हम बार बार कह रहे हैं कि यार डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है या डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आप कैसे एक सीक्वेंस में लिखते हो, कैसे एक ऑर्डर मेंटेन करते हो, कैसे पता चलता है? तो हम यहाँ पे चार टाइप्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, चार टाइप्स। किस किस मैनर में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जरा उसके बारे में डिस्कशन की जाए। तो यहाँ पे चार बेसिस, जिसमें सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब मैं टाइम के बेसिस पे डेटा को लिखूंगी। टाइम मतलब टाइम में कुछ भी आ सकता है, डेज आ सकते हैं, वीक्स आ सकते हैं, या फिर मंथ्स आ सकते हैं, इयर्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को शो करता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, हम इसको एक अदर नाम से डिनोट करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये नाम है, जब भी टाइम के बेसिस पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसका एक नाम है, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं हम, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा है तुम्हारे सामने, ये डेटा बना हुआ आएगा, ये शेड्यूल है इयर्स, और यहाँ पे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल क्या, पॉपुलेशन इन करोड़। शेड्यूल अपनी मर्जी से तुम कुछ भी लेट कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए ये लिया मैंने 2001, 2002, 2003 ये लिया, और मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, 102 पॉइंट नहीं, 102 करोड़, 104 करोड़, ये लिया। तुम टेबल देख सकते, पूरे टेबल में मुझे एक चीज दिख रही है कि हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बता रहे हैं ईयर वाइज। तो मैं सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना, यहाँ कुछ भी दिया मुझे इसको देखना है, ये क्या है ईयर्स। मुझे पता है ईयर जो होता है वो टाइम शो करता है, तो इस टाइम को हम एक नाम से डिनोट करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को हम एक नाम से डिनोट करते हैं, दैट नेम इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये बनाना तो कभी नहीं पड़ेगा, तुम्हें ये गिवन होगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन का। हम चार पढ़ेंगे, चार में से कौन सा है, मुझे पता है भाई, टाइम दिया हुआ है, इयर्स है, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत सिंपल और पहली कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही दूसरी जो कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस, ऑन द बेस ऑफ एरिया, एरिया का मतलब नाम से हम क्लासिफिकेशन बनाएंगे। इसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मतलब मैं यहाँ चाहे कंट्रीज की बात करूं, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, चाहे मैं स्टेट्स की बात करूं, मैं किसी की, चाहे मैं विलेजेस की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, मुझे पता है जब भी डेटा एरिया के बेसिस पे डिपेंडेंट रहेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, इट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने जो डेटा कलेक्ट किया है अभी, जो रॉ डेटा है, उसको तुम किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो? या तो तुम टाइम के बेसिस पे डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, या फिर तुम एरिया के बेसिस पे डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, दैट डिपेंड्स कि आपने किस टाइप की इंक्वायरी कंडक्ट की है। अगर तुमने पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एक साल का
निकाला है, तो तुम क्या देखोगे? तुम बोलोगे यार एरिया वाइज हम देखते हैं इस स्टेट में पॉवर्टी कितनी थी, इस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, दूसरे स्टेट में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, तो तब तुम ये वाली क्लासिफिकेशन तुम्हारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहे। तो डिपेंड करता है फ्रॉम इंक्वायरी टू इंक्वायरी। दिस इज ज्योग्राफिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेट्स और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉवर्टी परसेंटेज। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज यूपी, बिहार और यहाँ मैंने लिखा आंध्र प्रदेश। ये तीन मैंने स्टेट्स लिए हैं कि पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी परसेंटेज अपने बेसिस पे, ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 30 to 35%, यहाँ पे है 45% और यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल 15%। तो ये पेराइट डेटा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एरिया एंड एरिया इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो सिर्फ इसी चैप्टर तक लिमिटेड है। मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि तुम्हें ये टेबल्स देखने को मिलेंगे आगे न्यूमेरिकल, मतलब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और अभी हम एक और कैटेगरी करेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वाली, वो तो बहुत कम देखने को मिलती है, ये तो फिर भी देखने को मिल जाएगा। अभी हम एक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी ज्यादा देखने को मिलता है, बट ज्योग्राफिकल एंड क्वालिटेटिव वो बहुत कम आएगा आगे, इसी चैप्टर तक ही लिमिटेड। जल्दी से देख लो फिर हम आगे करेंगे, जब हो जाए तो बता। जब हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे इन चैप्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ध्यान रहे कि तुम्हारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, और ये मैं हर क्लास में बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो ढंग से, अगर तुम्हें लगता है कि यार ये लिखने की जरूरत है एंड यू विल फॉरगेट, तो उसको मतलब नोट इट डाउन समवेयर, कहीं लिखो उसको ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। ठीक है, देख दो और क्लासिफिकेशंस हम पढ़ते हैं और ढंग से सुनना क्या। एक आती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोलो, एक ही बात कुछ भी लिख सकते। क्वालिटी शो करता है वो किसी इंडिविजुअल। तो जब भी हम डेटा को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, दैट कुड बी रिलीजन, दैट कुड बी पुअर, नॉन पुअर, रिच, मिडिल क्लास, कुछ भी हो सकता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल फीमेल, तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी बेसिस पे जब हम एक इंडिविजुअल की क्वालिटी या एस्पेक्ट को शो करते हैं, एट्रीब्यूट को शो करते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, तो वो सारे के किसमें आते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख रही हूँ कि यार एक स्पेसिफिक मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ एक टेबल मैं फॉर्म कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है फीमेल और ये है फीमेल, एक टेबल बना रही हूँ मैं रैंडम। यहाँ पे मैंने लिया क्लास 9 और यहाँ पे मैंने लिया क्लास 10, 50, 40, 60, 70, ऐसे करके मैंने एक टेबल बनाया। मुझे बस ये टेबल ये दिखा रहा है, कोई इंफॉर्मेटिव मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मुझे इससे डायरेक्टली प्रोवाइड हो रही है, मुझे एक स्पेसिफिक स्कूल की इंफॉर्मेशन बस मिल रही है कि मेल स्टूडेंट्स क्लास 9th में कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स क्लास 9th में कितने हैं, ऐसे ही मेल स्टूडेंट्स 10th में कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स क्लास 10th में कितने हैं। तो दिस इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो एक इंडिविजुअल की क्वालिटी यानी कि एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स। तो ये सिंपल डेटा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। या फिर अगर कभी तुम अलग एग्जाम्पल लिखना चाहो सिंपल टर्म्स में, तुम ऐसा लिख सकते कि भाई ये मैंने लिया है यहाँ पे रिलीजन और यहाँ पे मैंने लिया पॉपुलेशन, कोई भी डेटा। तो रिलीजन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिखिज्म
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हिंदुइज्म, ये दो मैंने लिए सिखिज्म हिंदुइज्म, इनकी स्पेसिफिक कितनी पॉपुलेशन है वो मैंने क्रिश्चियनिटी पे लिख सकते हो, या फिर आ, आ, उसको क्या बोलते हैं मुस्लिम्स के रिलीजन को क्या बोलते हैं, मुस्लिम से बोलते हैं नहीं, इस्लामिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ इस्लाम इस्लामिक ठीक है, सिखिज्म हिंदुइज्म इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी, तो ऐसे करके रिलीजन्स तुम लिख सकते हो और यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन मेंशन कर सकते हो, तो वो सारे के सारे इसमें आएंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है सिंपल है बेसिक। ऐसे जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं और जिसके बेसिस पर फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव मतलब द एंटायर टेबल विल बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर्स, पूरा शेड्यूल पूरा टेबल नंबर्स के बेसिस पे ही चलेगा, कैसे नंबर्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिलियर हो इस टेबल के साथ दोनों, मैथ्स में 10th क्लास में मैथ्स में तुम ये सब पढ़ के आए हो, मीन मीडियन हो, ऐसे तो टेबल हुआ करते थे, तो मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है मुझे यहाँ पे इस फॉर्म ना, ये टेबल किसी की क्वालिटी शो कर रहा है, ना ये टेबल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ये टेबल टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, द एंटायर शेड्यूल शोज कि भाई 5 बच्चों के इसके इसके बीच में नंबर आए हैं, 4 बच्चों के इससे इसके बीच में नंबर आए, मतलब क्वांटिफिएबल टर्म्स, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो उसको हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी शो हो रही है, और तुम देखना जरा जब डेटा कलेक्ट होता है एक्चुअल में, जब हम इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये दो ही चीजें होती है, दो ही बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, टाइम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मेथड्स में से एक। हाँ नितिका, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स या क्वांटिटी, कुछ भी नहीं, मैं डालू फिर अब सुनो ढंग से एक मिनट, अब ढंग से सुनो, अब वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हें ये 3 कैटेगरीज अभी हम डिस्कस करेंगे सीरीज, ये 3 अगर तुमने ढंग से समझ ली कि इंडिविजुअल क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, ये अगर तुमने तरीके से समझ ली ना, तो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेस को याद रखना, या अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ और उसको खुद बनाना, वो तुम कभी भूल नहीं सकते, मतलब तुम खुद बना सकते हो फॉर्मूलेस इफ यू नो दीज 3 सीरीज। सुना पूरी स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स सिर्फ 3 ही कैटेगरीज होती है एक सीरीज, सीरीज अभी अभी हमने टर्म पढ़ा, सीरीज का मतलब क्या है कि जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, दैट इज नोन एज सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब इन सीरीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड, सुनते सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
ऑप्शनों ढंग से तीनों में फर्क है। एक ही एग्जाम्पल लूंगी और उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि एक क्लास है जिसमें टोटल 5 बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, इन पांचों को तुम्हें 3 सीरीज में कैटेगराइज करना है, और इन पांचों बच्चों के ना मार्क्स हैं 10, 20 ऐसे करके इनके आउट ऑफ 50 कुछ मार्क्स, ठीक है। तो मुझे पहले बोला गया कि पहले इंडिविजुअल सीरीज बनाओ इन 5 बच्चों के मार्क्स, ठीक, मार्क्स लिए, मार्क्स लिया मैंने 5 बच्चों के 10, 20, 30, 40, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 बच्चों के मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 सीक्वेंस में लिख, हो सकता है क्वेश्चन में कभी सीक्वेंस में ना हो, आगे पीछे मैंने सीक्वेंस में लिखा ये सबसे कम थे फिर ये थे फिर ये थे फिर ये थे और एक बच्चे के फुल थे। ये इंडिविजुअल मैं तीनों करके दिखाऊंगी, तीनों में डिफरेंस समझना क्या, ये 5 बच्चे और इन 5 बच्चों के मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख। अब मैंने ये नहीं बताया कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए, ये नहीं बताया मैंने यहाँ, दिस इज इंडिविजुअल जिसमें मुझे सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होता है दैट इज मार्क्स, जिसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एक्स, ये एक्स कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो वो सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा, मैं इसको कैपिटल में लिखना प्रेफर करती हूँ। मार्क्स जिसमें एक ही वेरिएबल दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, 5 बच्चों के मार्क्स लेते हैं ना, लेकिन अगर 10 बच्चों के होते तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती, 10 बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 15 या आउट ऑफ 50 जो ये मार्क्स। अब फिर मुझे बोला डिस्क्रीट सीरीज बनाओ इन्हीं 5 बच्चों के मार्क्स से, ठीक है भाई, ये लिया मैंने मार्क्स और ये लिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं बताऊंगी किस किस के कितने कितने मार्क्स हैं, अब ये चीज में मेंशन कर देखिए, 10, 20, 30 5 बच्चे 5 बच्चों के मार्क्स, 2 बच्चे हैं जिन्होंने 10 नंबर स्कोर किए, 2 बच्चे हैं जिन्होंने 20 नंबर स्कोर किए और 1 बच्चा है जिसने 30 मार्क्स स्कोर किया। जरा देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 5 बच्चों के ये मार्क्स, 2 बच्चों ने 10 मार्क्स स्कोर किए थे, 2 बच्चों ने 20 नंबर स्कोर किए, सिर्फ 1 बच्चे ने 30 मार्क्स स्कोर, ये है डिस्क्रीट डिफरेंस, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली मार्क्स को नोट डाउन कर रही थी, मैं ये नहीं बता रही थी कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए, पर वो चीज मैं यहाँ बता रही कि भाई 2 बच्चे थे फॉर एग्जाम्पल तेजस्वी एंड शौर्य, दे स्कोर्ड 10, 2 बच्चे और थे जिन्होंने 20 स्कोर किए, 1 बच्चा ऐसा था जिसने 30 स्कोर किया, तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 5 और इंडिया मतलब डिस्क्रीट सीरीज में दो इंडिपेंडेंट टर्म्स होंगे, एक जिसको हम x से डिनोट करते हैं दैट इज द मार्क्स और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम किससे डिनोट करते हैं f दैट इज फ्रीक्वेंसी। तुमने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में ये मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलेस भी पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किए होंगे, बट जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, हम लिमिटेड मीन मीडियन मोड तक नहीं है, हमें आगे भी इसके मेथड्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए इन सीरीज को जांचना एग्जामिन करना जब ये क्वेश्चन में लिखी हुई आएंगी तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले उसी के बेसिस पे चलते हैं। ये है डिस्क्रीट सीरीज। अब मुझे बोला गया है 5 ही बच्चे उनके मार्क्स लिखने कॉन्टिन्यूस सीरीज के बेसिस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइप ऑफ सीरीज वेयर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स, देख लेते हैं, ये मैंने लिए क्लास इंटरवल्स जो मेरे मार्क्स,
सीआई लिखना है इसको, मार्क्स है, वो मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी साइड मैंने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरी फ्रीक्वेंसी ही। यहाँ भी वही दो इंडिपेंडेंट टर्म्स जैसे डिस्क्रीट हुई बिल्कुल सेम, फर्क क्या, 0 से 10 के बीच में दो बच्चों ने स्कोर किया, 10 से 20 के बीच में दो बच्चों ने स्कोर किया, 20 से 30 के बीच में एक बच्चे ने स्कोर किया। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। बट अब मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, तो बता रही थी ना कि दो बच्चों ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, एक बच्चे ने 30 स्कोर किया है, वहां नहीं बता रही मैं। मैंने वहां पे क्या बोला, दो बच्चों ने 0 से 10 के बीच में स्कोर किया। अब 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बोला दो बच्चों ने 10 से 20 के बीच में स्कोर किया, 10 to 20 के बीच में एनीथिंग इज पॉसिबल, 15, 16 कुछ भी हो सकता है, और एक बच्चे ने 20 से 30 के बीच में, हो सकता है 25, 26, 27 कुछ भी स्कोर किया हो। ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी तो दिख रही है तुम, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, दिस इज कॉन्टिन्यूएशन। हम स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन से बच्चे ने एग्जैक्टली कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, जो हमें कौन सी सीरीज में देखने को मिलता है, डिस्क्रीट सीरीज। तीनों सीरीज को ढंग से देख, इंडिविजुअल देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन वेरिएबल जहां पे फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, डिस्क्रीट। तो याद रखना ये आगे के लिए कि भूल मत जाना, कभी पता लगा तुम डिस्क्रीट सीरीज को लिख रहे हो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है? ध्यान रख, डिस्क्रीट सीरीज, मार्क्स और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कॉन्टिन्यूस सीरीज, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट मार्क्स किस फॉर्म में दिए, एग्जैक्ट नंबर में नहीं दिए। मार्क्स किस फॉर्म में दिए, क्लास साइज या क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिए। तुम्हें याद आ गई होंगी चीजें जो शायद तुम 10th में पढ़ के आए, और तुम्हें ये भी पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल को। जब हम ऐसे लिखते हैं तो यू मस्ट नो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। मुझे पता है कि तुम में से आप लोगों को ये चीज पता हो, बट एमसीक्यू में भाई कुछ भी आ सकता है, चाहे पता है नहीं पता तब भी तुम्हें पता है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्लास साइज बताओ, इस क्वेश्चन का क्लास साइज बताओ, तो क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो क्लास साइज तुम देख सकते हो दोनों का, मतलब तीनों का डिफरेंस क्या है, 10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्लास साइज है इसके इक्वल है 10 के इक्वल है, मतलब क्लास साइज का मतलब जो गैप है क्लास इंटरवल्स में वो कितने कितने का, एंड दैट इज इक्वल टू। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके बहुत टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के हम बहुत टाइप्स डिस्कस करते हैं, हो गया तो आगे चलेंगे। चले लिख रहे हो ना तुम, तो यहां तो नहीं लिख रहे ना, सिर्फ सिर्फ यहां मत लिखना क्योंकि ये धोखा देता है बहुत, कहीं लिखना रजिस्टर। टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, काफी कैटेगरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज की। पहली दो जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो क्या है, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक आती है इंक्लूसिव। एक है एक्सक्लूसिव और दूसरी है इंक्लूसिव, दोनों में फर्क क्या है? अगर एक क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट को मैच करता है,
ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा और ये रैंडम फ्रीक्वेंसीज लिखी है यहाँ पे, ये एक्सक्लूसिव जो नॉर्मल कॉन्टिनेंस सीरीज है जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, जहाँ पे एक क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट को मैच करे, वो सारी की सारी सीरीज इसमें कैटेगराइज होती है एक्सक्लूसिव। मैच होना चाहिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है मतलब ये कॉन्टिनेंस सीरीज के फॉर्म में चल रहा है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज। जो रियल सीरीज जिसको हम बोलते हैं ये रियल कॉन्टिनेंस सीरीज। इंक्लूसिव, देखो मैं शेड्यूल कैसे बनाऊंगी, डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे एक क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट को मैच नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस नहीं है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। आइडेंटिफाई करना है तो दिस इज एक्सक्लूसिव, जहां पे अपर लिमिट और दूसरी क्लास का लोअर लिमिट मैच होते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट एक क्लास का दूसरा दूसरी क्लास का लोअर लिमिट डस नॉट मैच, तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज में कैटेगराइज होगा? इंक्लूड्स। ठीक है, इतना हो गया। मैं ये पोर्शन रब कर, ठीक है, ये वाली कैटेगरी में रब कर रही हूँ। अब देख, देखो देख होता क्या है, ये तुम्हें तरीके सिखाए जा रहे हैं बस आगे की न्यूमेरिकल। होता क्या है कि जब भी तुम्हें दिखे ना कि यार ये तो सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं, ये तो इंक्लूसिव सीरीज है, देख के पता चल रहा है, इन सीरीज के बेसिस पे कभी न्यूमेरिकल मत कर, होगा ही कभी नहीं हो। हमें हमेशा ऐसी अनआइडेंटिफाइड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ही करना है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा। सिर्फ ये टाइप्स हैं, तो मैं बस ये आगाह किया जा रहा है कि भैया ऐसे फॉर्म में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना लिखा हुआ, तो याद रहे ये सीरीज रियल सीरीज नहीं है, दिस इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज, सॉरी दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज। तो ये जो इंक्लूसिव सीरीज है इसको पहले मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? द रियल सीरीज, जो कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव। अदरवाइज इसके बेसिस पे कभी क्वेश्चन नहीं होगा, गलत आएगा हमेशा, हमसे कभी आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते, कन्वर्ट करते, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। जितनी भी लोअर लिमिट दी -0.5 और जितनी भी अपर लिमिट दिख रही +0.5। लोअर लिमिट में -0.5 करना है, अपर लिमिट में +0.5 करना है, फिर वो ये बन जाए। करके देखते हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी -0.5, तो 1 - 0.5 0.5, अपर लिमिट में +0.5 करना है तो 9.5, फिर -0.5 9.5 +0.5 19.5 एंड दिस गोज ऑन, चलता रहे जितनी बड़ी सीरीज है। देखो अब एक क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास के लोअर लिमिट को मैच कर रहा है। अब मेरा न्यूमेरिकल इसके बेसिस बहुत आराम से हो सकता है। जब अगर ये एमसीक्यू ना होता तो इस चैप्टर की कोई वेटेज ही नहीं, मतलब इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा सीधा 80 नंबर का पेपर होता मार्च एंड अप्रैल में, तो तब मैं तुम्हें बताती कि ये वाला जो चैप्टर है ये बनाया ही इसलिए गया है, इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी नहीं आता, आ ही नहीं सकता। ये चैप्टर है ही इसलिए, इसके बेसिस पे तो आगे न्यूमेरिकल हो, उसी में सब कुछ कवर, उसी में पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा गेट्स कवर। बस ये बेसिक इंक्लूसिव सीरीज में अगर कभी तुम्हें सीरीज देखो तुम कि यार ये इंक्लूसिव है, तो यू मस्ट नो कि यार इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कभी नहीं होगा, उसके लिए मुझे इसको नॉर्मल कॉन्फ्रेंस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज एक्सक्लूसिव। उसके लिए हमने क्या किया?
लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट 0.5 प्लस किया, और ये बन गई मेरी कॉन्टेस्ट सीरीज। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, टेंथ में भी ऐसे किया कर। नाइस नाइस, हो गया। एक सीरीज बस मैं और बता दी, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक, ठीक है, देखो मिड वैल्यूज सीरीज, देख क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मार्क्स क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना है, और ये मार्क्स मिड वैल्यूज, ये हमेशा लिखा हुआ होगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुम ये सोच के बैठ जाओ रही है तो डिस्क्रीट सीरीज आ गए। मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंस, मिड वैल्यूज गिवन है फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, फ्रीक्वेंसी गिवन है ये, और मुझे बोला है इस सीरीज को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर। कैसे कर, मिड वैल्यूज कॉन्टिन्यूस कैसे बना, स्टेप्स ढंग से समझ क्या है। सबसे पहली चीज, मार्क्स जो गिवन, जो एक्स है, इसमें देखो गैप कितने कितने का है, देखो और बताओ कितने कितने का गैप दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी का हम कुछ नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ ये जरूरी है 5, 5 का इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना है। डिवाइड दिस वैल्यू का, 5 को 2 से डिवाइड करना है, मीनिंग मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 2.5, ढाई आ गया, ठीक है, गुड। कुछ नहीं करना, इस 2.5 इसके लेफ्ट साइड में माइनस कर और इसके राइट साइड में प्लस, सेम प्रोसेस चलता है। तो देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, 5 माइनस 2.5, 2.5 लोअर लिमिट आ गई, 5 प्लस 2.5, 7.5 अपर लिमिट आ गई। फिर मुझे ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है भाई 5-5 का गैप है, तो भाई 5-5 का गैप लेते रहते, ये आया 7.5, ये आया 12.5, 12.5 17.5, 17.5 22.5, ये बन गया क्लास। क्या किया था, गैप देखा, जो भी गैप होगा हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आई लेफ्ट साइड में माइनस राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस करके ये आया और राइट साइड में प्लस करके ये आया। वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, इन दोनों की मिड वैल्यू यही आनी चाहिए, ये वेरीफाई कर लिया करो हमेशा। कैसे, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो लोअर लिमिट 2.5 अपर लिमिट 7.5 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ रहा है, 7, 8, 9, 10। तो मैं जो कर रही हूँ दैट इज करेक्ट, मिड वैल्यू 5 है, 5 ही है, वेरीफाई कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज गिवन होंगी, लिखा होगा, मुझे इस सीरीज को कॉन्फिडेंस सीरीज में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिफाई द गैप, उस गैप को 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आई लेफ्ट साइड में माइनस राइट साइड में प्लस, वेरीफाई कर लो किसी एक इंटरवल को कि भाई हमारा आंसर ठीक आ रहा है, इसका मतलब जो हमने सीरीज निकाली है वो ठीक निकाली। चले आप, एक क्वेश्चन मैं दूंगी इसी का, मिड वैल्यू का बता दू, और ये भी लिख लेना भाई मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। कुछ लिखो, मिड वैल्यूज गिवन,
फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6 ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाए। और ये ध्यान रहे क्लास रिपल्स में गैप दो दो का ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी दो दो का गैप है। ठीक है पहला क्लास इंटरवल बता दो। जीरो टू फोर कैसे हो सकता है भाई, किसने लिखा था जीरो टू फोर? दो दो का गैप, दो दो का गैप है, उसको हमने दो से डिवाइड किया, एक आया, एक लेफ्ट साइड में माइनस राइट साइड में प्लस, तो 1-3, 3-5, 5-7, 7-9 वेरीफाई कर सकते हो। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आया, 5 + 3 8 8 डिवाइडेड बाय 2 4 तो वेरीफिएबल। सब ठीक है नोट सेंड करवाते हैं। जितना आज हमने टॉपिक कवर किया है ये अपने पार्ट में ढंग से पढ़ लेना, कंटिन्यू करेंगे इसी जगह। ठीक है मिलते हैं अगली क्लास।